हे गाइस, वेलकम बैक एक्शन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं कवर करने वाला हूं साउथ की एक्शन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर पवनी मूवीज को, जो हाल ही में यूट्यूब पर हिंदी में अपलोड की गई हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मूवी आपको लास्ट तक कनेक्ट करके रखेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो काफ़ी अच्छी मूवी की जानकारी आपसे मिस हो सकती है। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे एक्शन प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे काउंटडाउन के जो 6 नंबर पे मूवी आती है मास्टरपीस, साल 2017 में आई एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में मम्मू थी, पूजा बाजवा, गोकुल सुरेश, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों, 83% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें फिल्म की, तो मूवी में हमें कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो गैंग्स बनाकर क्राइम्स की दुनिया में शामिल हो जाते हैं, लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब उन्हें कंट्रोल करके रास्ते पर लाने के लिए उसी कॉलेज में एक इंग्लिश का प्रोफेसर आता है। अब वो उन्हें कैसे रास्ते पर लाता है और वो स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, जो यूट्यूब पर अनऑफिशियली मौजूद है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। काउंटडाउन के जो 5 नंबर पे मूवी आती है रावण सूरा, साल 2023 में आई एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री एडवेंचर वाली फिल्म थी, जिसके स्टारकास्ट में रवि तेजा, दीक्षा नागरकर और फारी अब्दुल्ला, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों, 74% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें लाइन की, तो मूव में हमें ACP हनुमंत को दिखाया जाता है जो हो रही हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू करता है, तो उसे शक होता है कि जूनियर विक्रम रविंद्र वकील से मिला हो सकता है। आ क्या होता है, वो कैसे पता लगाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। कन्नड़ के 4 नंबर पे मूवी आती है बिजनेसमैन, साल 2012 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में महेश बाबू, काजल अग्रवाल, प्रकाश राज, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों, 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें लाइन की, तो मूव में हमें एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जो बड़ी सोच के साथ मुंबई पर राज करने के लिए आता है, और देखते ही देखते वो अपनी गैंगस्टर पावर से बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही होता है। अब उसका आखिर क्या इरादा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म बेस्ट है दोस्तों, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, अनऑफिशियली यूट्यूब पर मौजूद है। कन्नड़ के 3 नंबर पे मूवी आती है O2, साल 2022 में आई एक एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टारकास्ट में ईशा रेबा और अरविंद स्वामी, कंचको बोवन, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। बात करें IMDb रेटिंग की, तो 5.9 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों, 83% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें फ्लाइन की, तो मूव में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो आसानी से पैसा कमाने के लिए बेरोजगार डेबिट से दोस्ती करता है, लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब उसे पता चलता है कि डेबिट को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। जल्द ही वो सब कुछ भूल जाता है। अब ऐसे में वो क्या करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कन्नड़ के जो 2 नंबर पे मूवी आती है हैक्ड, साल 2020 में आई एक सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में हिना खान, रोहन शाह, तन्वी ठक्कर, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। IMDb रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों, 69% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें इस लाइन की, तो मूव में हमें एक यंग गर्ल समीरा को दिखाया जाता है जो अपने जन्मदिन पर विवेक का प्यार ठुकरा देती है, लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब विवेक गुस्से में उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सब कुछ हैक कर लेता है। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कन्नड़ के जो 1 नंबर पे मूवी आती है नानुका प्रेमाथो, साल 2016 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में जूनियर NTR, राकुल प्रीत सिंह, जगपति बाबू, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों, 76% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें लाइन की, तो मूव में हमें एक फेमस बिजनेसमैन के बेटे अभिराम को दिखाया जाता है जिसे
अचानक से पता चलता है कि उसके पिता की सारी संपत्ति एक चालाक इंसान कृष्ण मूर्ति ने हथिया ली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस अभिराम उससे बदला लेने के लिए निकलता है। अब आखिर वो उससे बदला ले पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मूवी से रिलेटेड अपडेट मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।